ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने एनआरसी और सीएए के विरोध में जोरदार रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव चंदन राणा की अगुवाई में दर्जनों युवाओं ने हाथों में मशाल लेकर जुलूस निकाला और पूरे बाजार की परिक्रमा की। युवा कांग्रेस ने एनआरसी के मुद्दे पर केंद्र सरकार के फैसले का विरोध जताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुर्दाबाद के नारे लगाए। हमीरपुर के बाल स्कूल में तिरंगे के गायब होने पर लोगों में रोष पनपा हुआ है। पिछले 6 महीनों से तिरंगे की जगह केवल पोल ही होने से जिला प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार घटिया कपड़ा तिरंगे में लगाए जाने से बार बार तिरंगा फटता रहा है। अब तिरंगे के गायब होने पर लोगों ने गहरा रोष व्यक्त किया है। तिरंगे के गायब होने पर एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर जल्द तिरंगा लगाने की मांग की है और चेताया कि अगर प्रशासन ऐसा नहीं करता है तो एनएसयूआई अपने स्तर पर प्रयास करके तिरंगा लगाएगा। आपको बता दें कि देश की आन बान शान तिरंगा कई महीनों से गायब है और तिरंगे की जगह पर पोल ही खड़ा है। पाल स्कूल में 134 फीट ऊंचा तिरंगा स्थापित किया गया था, लेकिन इसकी देखरेख में हो रही कमियों और इससे पहले घटिया कपड़ा प्रयोग में लाए जाने पर तिरंगा फटता रहा है। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष टोनी ने कहा कि तिरंगा के नहीं होने पर जिला पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर जल्द तिरंगा लगाने की मांग की है। उन्होंने जिला प्रशासन को चेताया है कि अगर प्रशासन जल्द तिरंगा नहीं लगाता है तो एनएसयूआई अपने स्तर पर प्रयास करके तिरंगा लगवाएगा। जो हम यहाँ पर मेमोरेंडम जो जिलाधीश महोदय को सौंपने के लिए आए थे, आपको ज्ञात होगा कि जो भारत की शान है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, जिस ध्वज को लहराने के लिए अनेकों जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, अनेकों जो वीर जवान हैं, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति डालकर जो है वो इस तिरंगे की शान को बढ़ाया है। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हमीरपुर जिला का जो प्रशासन है, जो स्थानीय जो प्रशासन है पूरा, वो सोया हुआ है। करीब करीब कोई 3-4 महीने से जो है वो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो यहाँ पर नहीं है। 6 महीने से, करीब करीब 6 महीने से राष्ट्रीय ध्वज हमारा जो है वो ऐसे ही, जो सिर्फ डंडा है उसमें कोई झंडा नहीं है। और प्रशासन ने जो अभी थोड़े दिन पहले, 2 महीने पहले हमीरोत्सव हुआ था, उसमें भी जो था वो तिरंगा जो था वो नहीं था। तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि हिमाचल जो है, हिमाचल के अंदर हमीरपुर जिला जो है वो हमेशा अपने एक अलग पहचान रखता है, और राष्ट्रीय ध्वज के इस तरह यहाँ पे ना फहराया जाना प्रशासन की बहुत बड़ी जो है वो भूल है। यदि प्रशासन इसको एफर्ट नहीं कर सकता झंडा लहराने में, जो है झंडा फहराने में अगर सक्षम नहीं है, तो हम एनएसयूआई हमीरपुर का परिवार मिलकर खुद वहाँ पर जो है वो झंडा जो है वो भारत का जो शान है तिरंगा उसको लहरा देंगे। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि कृपया जल्द से जल्द वहाँ पर जो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज को जो है वो दोबारा लहराया जाए, उसको उसकी शान को जो है वो दोबारा से उसी प्रकार जो है वो बढ़ाया जाए। यदि प्रशासन ऐसा नहीं करता है तो हम आगे की जो कार्रवाई है, आगे का जो उनके विरुद्ध जो प्रदर्शन है वो करेंगे। वहीं स्थानीय लोगों ने भी तिरंगे के गायब होने पर मलाल जताया और कहा कि प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि तिरंगा काफी समय से देखने को नहीं मिल रहा है और जब भी झंडा लगाया जाता है तो कुछ दिन में ही फट जाता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन झंडे की ओर ध्यान दे। मैं इस बात का थोड़ा सा दुख है कि जो हमारा राष्ट्रीय आन बान शान, हमारा भारत का झंडा, जो कि हमीरपुर बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड में स्थापित किया गया है पिछले कुछ समय से, वो काफ़ी समय से हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। और हमें इस बात का दुख है कि जब भी झंडा लगेगा, लगता है तो हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद वो फट जाता है। या तो अच्छी क्वालिटी का झंडा लगाया जाए या फिर इसके लगाया ही ना जाए। अगर लगाया है तो उसका प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा जाए, और ये हमारे राष्ट्र की आन बान शान है। इस बात का मैं थोड़ा प्रशासन को भी ध्यान में लाना चाहूँगा कि अगर हम भारतीय हैं तो भारत को, भारत का मस्तक ऊंचा हमारा झंडा ही करता है। कहीं भी हम लोग अगर विदेश में जाते हैं तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज ही हमारी पहचान होता है, और अगर हमारे घर में ही हमारा राष्ट्रीय ध्वज सुरक्षित नहीं है तो बहुत शर्म की बात है। लोगों का कहना है कि तिरंगे की देखभाल अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि देश की आन बान शान तिरंगा होता है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों राज्य स्तरीय हमीर उत्सव के दौरान भी तिरंगा नहीं लहराया गया, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। जो है वो ये ध्वज जो है यहाँ कभी देखने को मिलता है, कभी नहीं। प्रशासन को चाहिए कि इसको, इसकी देखभाल जो है वो हर प्रतिदिन करनी चाहिए। ये ध्वज जो है इसको हमेशा ही जब भी देखा जाए तो
ये नहीं लहराया जाता है, कभी लहराया जाता है कभी नहीं लहराया जाता है। अभी हमारे यहाँ हमीर उत्सव था, हमीर उत्सव दो दिन लगातार चला, इन दो दिनों में हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो एक तिरंगा है वो नहीं लहराया गया। मेरी प्रशासन से गुजारिश है, अगर यहाँ पे ध्वज नहीं लहराया जा रहा है इसमें क्या दिक्कत है, कहाँ क्या परेशानी आ रही है ये बताया जाए और इसकी तिरंगे की देखभाल की जाए।